अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। इसके लिए हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क। चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए हमें कोको पाउडर भी चाहिए होगा। सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम को हमें बीट करना है। इसके लिए हमें जो विस्क है मशीन के, वो फ्रीज़र में रखने होंगे पहले, और इसी तरह से जिस बोल में हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे उसे भी हमें कुछ देर पहले फ्रीज़र में रखना होगा, क्योंकि इस तरह क्रीम बहुत जल्दी और आसानी से व्हिप हो जाती है। मैंने यहाँ पर 200 ml के दो पैक्स लिए हैं क्रीम के। इस तरह मैं टोटल 400 ml क्रीम ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इससे हाफ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। हमें क्रीम को ओवरबीट नहीं करना है, इसे सिर्फ सॉफ्ट पीक बनने तक ही व्हिप करना है। अगर आप चाहें तो इसे बलून विस्क से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क मिला लें। मेरे पास 395 ml का कंडेंस मिल्क है। मैं इसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 250 ml कंडेंस मिल्क मिला रही हूँ। आप चाहें तो 200 ml या थोड़ा सा ज़्यादा भी मिला सकते हैं 250 ml से। इसको अब हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए इसे आहिस्ता फोल्ड करें, ताकि इसके अंदर जो एयर हमने इनकॉर्पोरेट की है क्रीम के अंदर वो बाहर ना निकले और ये इसी तरह से फ्लफी रहे। अब इसके अंदर 1 teaspoon वनीला एसेंस मिला लेंगे और इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। मैं इसको दो हिस्सों में बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी दूंगी। अगर आप चाहें तो ये पूरा वनीला का फ्लेवर ही यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आधे बैटर को हम एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया है और इसमें मैं आधी जो ये क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर है इसे इसके अंदर डाल दूँगी।
अब हम इस कंटेनर को कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे रात में बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि ये सुबह तक तैयार हो जाए। आधे मिक्सचर में मैं 3 टेबल स्पून कोको पाउडर मिला रही हूँ। इस तरह से ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। कोको पाउडर मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम को भी मैं एक कंटेनर में निकाल कर उसे कवर करके फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। मेरे दोनों आइसक्रीम फ्लेवर्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें रात में फ्रीज़र में रख दिया था और अब सुबह में मैंने इन्हें तकरीबन 9 बजे बाहर निकाला है, लेकिन ये 6 से 8 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। मेरे पास आइसक्रीम कप्स हैं, मैं इन्हें उसमें सर्व करूँगी। आप चाहें तो इन्हें सिंपली भी सर्व कर सकते हैं किसी भी बोल में, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, साथ ही इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है निकालने में। जिससे बर्फ़ की तरह सख्त हो जाती है आइसक्रीम, वो बिल्कुल भी नहीं है। जो घर में हम बनाते हैं और वो बर्फ़ जैसी हो जाती है, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैंने इसे बार बार निकाल के बीट किया है, ये बहुत ही आराम से तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम तैयार है। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।